आज हम बनाने जा रहे हैं दाल गोश्त बकरीद स्पेशल। इस बकरीद पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत टेस्टी बनता है। तो चलिए देख लेते हैं इसे बनाने की रेसिपी। दाल गोश्त बनाने के लिए हम लिए हैं बकरे का गोश्त, 1.5 किलो बकरे का गोश्त है। इस तरह थोड़ी बड़ी बड़ी पीसेस हैं। इसको अच्छी तरह धो के मैं छन्नी में रख ली हूँ। 4 मीडियम साइज़ के प्याज, प्याज को मैं इस तरह स्लाइस में कट कर ली हूँ। 8 सूखी लाल मिर्च खड़े खड़े हैं, और ये 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा है, इसे मैं 4 स्लाइसेस में कट कर ली हूँ। 12 लहसुन के जवे हैं, थोड़े मोटे मोटे हैं तो 12 हैं। अगर आप लोगों के छोटे पतले हों तो आप 15-16 ले लीजिए। और ये हैं गरम मसाले, 1 टीस्पून शाहजीरा, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 2 काली बड़ी इलायची, थोड़ी सी काली मिर्च, एकदम 1 पिंच थोड़ी सी जावित्री, 6 हरी इलायची, 2 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 8 लवंग और थोड़ा सा फूल चक्री, टूटा हुआ हाफ फूल चक्री। सबसे पहले गरम मसाले का हम पोटली बांधेंगे, इसे बॉईल करना है। इसके लिए ये जो इलायची है इसका मुंह इस तरह से खोल दें अच्छे से, ताकि इसका फ्लेवर इसमें निकल जाए। ये देखें, इसको बांध लें अच्छे से। ये मलमल का कपड़ा है, नया कपड़ा था तो मैं इसे अच्छे से धो ली हूँ। उसके बाद एक कुकर लें, कुकर में हम डालेंगे मटर और ये प्याज, और इसमें डाल देंगे ये गरम खड़े मसाले और ये लहसुन अदरक और हरी मिर्च। गोश्त पानी छोड़ेगा ही, मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा, ये आधा कप पानी, 1 चम्मच नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। अब मैं इसको थोड़ा सा इसे मिला लूँगी और कुकर का ढक्कन बंद कर दूँगी और सीटी लगा दूँगी, इसका 3 से 4 सीटी लगा दूँगी। जब तक हमारा गोश्त उबल रहा है हम दाल की तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए ली हूँ मैं 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 कप चने की दाल, 2/3 कप मसूर की दाल, 1/2 कप मूंग दाल। अब हम इसको पहले सबसे अच्छे दाल को धो लेते हैं। दाल मैं अच्छे से धो ली हूँ, तीनों दालों को एक साथ धो ली हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी और नमक, और इसमें डाल रही हूँ पानी। पानी मैं 2 गिलास डाल रही हूँ और इसे 2 से 3 सीटी लगा लूँगी, 3 सीटी लगा लूँगी। दाल और गोश्त हमारा उबल चुका है, अब आगे की तैयारी हम मसालों की तैयारी करते हैं। उसके लिए ली हूँ मैं 500 ग्राम लौकी। लौकी को अच्छी तरह धोकर उसे छीलकर इस तरह से बड़े बड़े क्यूब्स में कट कर ली हूँ। उसके बाद से ली हूँ 4 मीडियम साइज़ के टमाटर, इसे मैं छोटे छोटे इस तरह से कट कर ली हूँ। और ये है मेरे खड़े गरम मसाले, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून शाहजीरा, 1 टेबल स्पून सौंफ, 12 काली मिर्च, 3 काली इलायची, 1.5 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 4 लवंग, थोड़ी सी जावित्री, थोड़ा सा जायफल, 6 हरी इलायची, 1 मुट्ठी इमली। इमली को धोकर हमको अच्छे से पानी में भिगाकर इसे साइड में रख देंगे। और ये है पाउडर मसाले, 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1.5 टीस्पून रेगुलर लाल मिर्ची पाउडर, 1 मीडियम साइज़ का प्याज जिसे हम इस तरह से स्लाइस में कट कर लिए हैं, और 4 तेज़पत्ता, और ये है 25 से 30 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसे इस तरह से हम छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिए हैं। सबसे पहले हम इन खड़े गरम मसालों को अच्छी तरह मिक्सी के जार में डालकर इन्हें पीस लेंगे। इसके साथ ही हम अदरक और लहसुन भी डाल देंगे और इनका अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। मैं गरम मसाले और अदरक लहसुन का इस तरह से अच्छा महीन पेस्ट बना ली हूँ। अब हम
एक पतीली में अच्छे से गरम करके आधा कप तेल डाली हूँ, मस्टर्ड ऑयल डाली हूँ। आप लोग को जो तेल में खाना बनाते हो आप वो तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें डाल रही हूँ ये प्याज और ये तेज़पत्ता। इसको हम हल्का गोल्डन ब्राउन करेंगे पहले प्याज को। प्याज हमारा हल्का गोल्डन हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे मसाले। मसाले में सबसे पहले जो मैं पेस्ट बना के डालती हूँ वो डाल रही हूँ। इसके बाद डालेंगे पाउडर मसाले और टमाटर। इसके साथ ही मैं मिक्सी के जार में आधा गिलास पानी डाल के वो भी डाल दे रही हूँ, ताकि मसाले हमारे थोड़े पक जाएं अच्छे से। अब मैं इसे ढक दूंगी। पानी डालने के बाद इसे ढक रही हूँ, जब तक पानी सूखे नहीं तब तक थोड़ा सा ढककर मैं पकाऊंगी। मसाले में पानी डालकर रखे हुए हमें 10 मिनट हो चुका है। अब पानी सूख चुका है और मसाला भी लगभग पक चुका है। अब इसे मैं हाई फ्लेम पे ही चला चला कर 4-5 मिनट और भून लूँगी। ये देखिए हमारा मसाला कैसे तेल छोड़ दिया है, ऊपर ऊपर अच्छे से भून चुका है। मैं इसे हाई फ्लेम पर 8 मिनट तक चला चला कर भूनी हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ लौकी। लौकी के साथ ही मैं 1 गिलास पानी डालूँगी और गैस की फ्लेम हाई से मीडियम में कर दूंगी, ताकि हमारी लौकी और मसाले अच्छे से पक जाएं और लौकी गल जाए। तब तक मैं इसे ढक कर रख देती हूँ। हमारी लौकी को मसाले के साथ पकते हुए कम से कम 15-16 मिनट हो चुका है। 5 मिनट में मैं हाई फ्लेम पे रखी थी, उसके बाद मैं 13 मिनट इसे स्लो फ्लेम पे पकाई हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से तेल भी ऊपर आ गया है और लौकी भी बहुत अच्छे से गल चुकी है, एकदम अच्छे से मसालों के साथ पक गई है। अब मैं इसमें डालूँगी, ये गोश्त मैं कुकर से निकाल ली हूँ। इसमें ये पोटली है, अभी ये ठंडा होने के लिए मैं निकाल दी थी। इसे इस तरह हाथों से निचोड़ लीजिए ताकि इसका सारा फ्लेवर आ जाए, और इसे हम हटा देंगे और इसे अब हम इसमें डाल देंगे। इसे पानी के साथ ही इसमें डाल देंगे और इसमें डालूंगी ये दाल। दाल भी अच्छे से गल गई है, इसे भी मैं इसमें पलट दूंगी। उसके बाद ये इमली का जो पल्प मैं निकाल कर रखी हूँ, अच्छे से उसे हाथों से मसल कर उसे छन्नी से छान ली हूँ, उसे भी डाल दूंगी। और मैं डालूंगी धनिया के पत्ते, इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। गैस की फ्लेम अब मैं हाई कर दी हूँ। देखिए कितना अच्छा अभी से दिख रहा है हमारा दाल गोश्त। थोड़ी सी मेहनत लगती है लेकिन ये बहुत टेस्टी बनता है, हमारे घर में तो सबको बहुत पसंद है। आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत पसंद आएगा। इसमें थोड़ा सा और मैं पानी डाल रही हूँ। अब मैं इसे हाई फ्लेम पे 10 से 12 मिनट पका लूँगी। ये देखें हमारा दाल गोश्त अब तैयार हो चुका है। इसे हाई फ्लेम पर मैं 1 उबाल आने दी, उसके बाद मीडियम फ्लेम पे 12 मिनट मैं इसे पकाई हूँ। ये अच्छे से गाढ़ा हो चुका है और ऑफ कैमरा भी मैं इसे चम्मच चलाते रही, क्योंकि दाल और गोश्त डालने के बाद नीचे से पकड़ने का डर रहता है। ये बहुत अच्छे से बाद में गैस की फ्लेम बंद करने के बाद भी ये गाढ़ा होते रहता है, इसीलिए इसे इतनी ही ग्रेवी परफेक्ट है। मैं इसे दूसरे साइड में रख रही हूँ और मैं इसमें अब बघार डालूँगी। बघार देने के लिए मैं ली हूँ थोड़े से कड़ी पत्ता, 5 सूखी मिर्च और 1/2 टीस्पून शाह जीरा, 1/2 टीस्पून जीरा, 5 हरी इलायची, 1/2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा और 4 लौंग और 3 बड़ी काली इलायची इसमें नीचे चला गया है। और ये तेल डाल दी हूँ, गरम हो गया है, 2 टेबल स्पून तेल है। अब मैं इसमें डाल दी हूँ गरम मसाला। इसे अच्छे से ब्राउन कर देंगे हम। ये देखें अच्छे से ब्राउन हो चुका है, इस तरह इसे ढक दें और इसे 5 मिनट के बाद हम खोलेंगे और सर्व करेंगे।
ये देखें मेरे दाल गोश्त का फाइनल लुक कितना टेस्टी दिख रहा है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है घर में। आप लोग इस रेसिपी के साथ दाल गोश्त बनाइए, बहुत अच्छा बनेगा। और आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हों तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगती है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा।